प्लान सक्सेसफुल होने के लिए बस एक ही रास्ता है। एक्चुअली साउंड एंड विजन के लिए मैं काफ़ी डबिंग करता हूँ। तो एक दिन मैं स्टूडियो में था, मैं कोई और काम कर रहा था एंड दे सेड प्लीज़ आइए, एक टेस्ट है, आप कर सकते हैं। तो मैंने टेस्ट किया, जब मैंने देखा वो मनी हाइस्ट और वो प्रोफेसर का टेस्ट था एंड ऑफकोर्स आई नो मनी हाइस्ट लाइक एवरीबडी डिड। तो वो उसमें थोड़ा एक्साइटमेंट था लेकिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था और जब स्पेनिश में बात करते तो वो बहुत जल्दी बात करते। तो मैंने टेस्ट किया था और मैंने बोला माय गॉड इतना फास्ट बोल रहा है, और मैंने सोचा नहीं कि इसके लिए कॉल आएगा, लेकिन कॉल आया था और तब मैंने बोला अच्छा, और मैंने डबल चेक किया ये कैरेक्टर मतलब मुझे करना है। तो उन्होंने बोला हाँ आप ही करना है। तो वॉइस टेस्ट सिलेक्शन ऐसा हो गया था और फोर सीजन्स उस टाइम तीन सीज़न मतलब रिलीज हुए थे और एक सीज़न रिलीज होने वाला था और वो था सीज़न चार। तो 38 एपिसोड्स हमने डब किया और वैसा ही हुआ था। तो इट वॉज इंटरेस्टिंग बट या दैट्स हाउ इट बिगन। तो मनी हाइस्ट में प्रोफेसर एक ऐसा आदमी है जो बहुत कैलकुलेटिंग आदमी है, सब कुछ जो वो सोचता है वो आगे सोचता है, उसको पता है कि क्या होने वाला है और मतलब सारे जो सिनारियोज है वो भी सोचता है कि ये होगा ये होगा ये होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये हो सकता है। तो ये एक आदमी है जो मतलब वो काम आदमी है, सब कुछ प्लान करता है। और इसके लिए जब मैं डब कर रहा था तो वो बहुत इन्जॉयबल था क्योंकि वो सारी सिनारियोस उसको मालूम था और सब प्लानिंग वो मतलब इतना सोच समझकर वो करता था कि वो इंटरेस्टिंग था। और प्रोफेसर मतलब उसकी जो आवाज़ है वो फ्लैट आवाज़ है और वो मुझे अच्छा लगता है। बाद में थोड़े सीन्स आते हैं जो उनका मतलब स्ट्रेस आता है वो भी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और कई चीज़ों में मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो कभी निकले नहीं हैं, लेकिन उनका जो कैलकुलेशन है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इन्जॉयबल था। डिफ़िकल्टीज जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे 48 एपिसोड, मेन प्रॉब्लम ये है कि स्पैनिश और हिंदी जो डिफरेंस है, स्पैनिश में जब वो आप मतलब आप समझ सकते हैं या आप सोच सकते हैं कि हिंदी में सब लोग बहुत फास्ट बहुत जल्दी बोलते हैं, लेकिन स्पैनिश में जो स्पीड ये सब लोग बोलते हैं मतलब आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। तो उसको मैच करने के लिए एक आदमी वो एक लाइन बोलता और उसको हिंदी में करना है, तो डिफ़िकल्टी ये था कि ये सब मैच कैसे कर सकते और एक आदमी नहीं कर सकता है। वो कर सकते हैं जब आपके पास डबिंग डायरेक्टर है और इंजीनियर है। और जो हमारे जो डायरेक्टर्स थे ये कल्पेश था और ये प्रमोद जी थे साउंड एंड विजन से, उनके बिना ये डब नहीं हो सकता था। तो उन्होंने ये सब फिक्स किया क्योंकि अगर मैं अकेले कोशिश करता तो मैं कभी कभी नहीं करता। मतलब प्रोफेसर के पास एक प्लान होगा लेकिन डबिंग आर्टिस्ट के पास कोई प्लान नहीं हो सकता है। डायरेक्टर और इंजीनियर दोनों एक साथ और तब आर्टिस्ट आता है। तो हम ऐसे किए थे। जब मैं मनी हाइस्ट में वॉच कर रहा था तो पहले मैं स्पेनिश में देख रहा था, लेकिन बाद में जब और मैंने बस एक सीज़न मैंने देखा था, तो जब सीजन्स निकले और डब भी निकला था तो मैं हिंदी डब को स्विच किया था एंड आई पर्सनली वॉज़ वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। मतलब
द डबिंग लेवल बिल्कुल बिल्कुल हाई क्वालिटी हाई प्रोफेशनल था और आई वॉज इन्जॉइंग वॉचिंग द अदर कैरेक्टर्स जो सारी क्योंकि जब आप डब कर रहे थे आप डब करते हैं तो आप अकेले करते हैं आप दूसरे कैरेक्टर्स को मिलते नहीं हैं तो व्हेन आई वॉच्ड इट आई वॉज रियली इन्जॉइंग वो सारी जो कैरेक्टर्स टोक्यो मॉस्को बर्लिन राकेल जो उनकी जो आवाज़ें थे वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा जब डब निकला था उसके बाद मतलब एक हफ्ते में वो इंस्टाग्राम पर ट्विटर पे फेसबुक पर इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आई गॉट रियली रियली शॉक एंड सरप्राइज मैंने कभी नहीं सोचा कि लोग डब देख रहे हैं और एक कैरेक्टर मतलब उनकी आवाज़ से कुछ कनेक्शन है एंड फैंस हैव जस्ट बीन फैंटास्टिक इतने सारे फैंस मतलब लिखते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिप्लाइज जितना भी रिप्लाई मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ बहुत सारे मैसेज आते हैं एक बार किसी ने मैसेज किया कि मेरी बहन की बर्थडे है और वो आपका बहुत बहुत बड़ा फ़ैन है तो आप प्रोफेसर की आवाज़ में आप हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं तो मैंने कर लिया और मैंने भेज दिया एंड आई होप इट मेड हर वेरी हैप्पी वो आदमी ने एक मैसेज भेजा कि थैंक यू सो मच सर बट एज लॉन्ग एज यू नो आई कैन मेक पीपल हैप्पी विद जस्ट द वॉइस आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो सब फैंस हैं आई वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग फॉर वॉचिंग एंड अप्रिशिएटिंग इट मतलब इट मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस जो स्टूडियो में काम करते हैं क्योंकि लोग देखते नहीं कि हम कौन हैं वो बस आवाज़ सुनते हैं और इन जैसे शोज़ की वजह से पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट डबिंग इज एंड अप्रिशिएटिंग डबिंग एंड द वर्क दैट ऑल ऑफ अस डू सो थैंक्स टू यू थैंक्स टू नेटफ्लिक्स फॉर पुटिंग दिस आउट बट द फैंस व्हाट कैन आई से फ्रॉम मी अश्विन एंड प्रोफेसर की आवाज़ आई वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग for appreciating it it means a lot to all of us agar koi incidents hote hain to wo ek scenario mein hoga aur wo hai love scenes mein aap akele hain और आपको एक लव सीन करना है तो कैसे करना है सब लोग को हंसी आती जब डबिंग आर्टिस्ट ये करता है लेकिन जब वो सब किसिंग सीन्स होते हैं तो आप अकेले स्टूडियो में आप ऐसे करते हैं और वैसा होता है और हैवी ब्रीदिंग अगर वो हैवी ब्रीदिंग आप बाहर करते हैं तो पुलिस डोरस्टेप पर आएंगे और आपको अरेस्ट करेंगे लेकिन स्टूडियो में वो चलेगा लेकिन सब लोग मतलब वो बहुत लाफ करते हैं और मेरे ख्याल में वो सबसे इंटरेस्टिंग और अजीब एस्पेक्ट है ये डबिंग का मैंने ये कैरेक्टर चूज नहीं किया था आई थिंक द कैरेक्टर एक्चुअली चूज मी क्योंकि जब आप ऑडिशंस करते हैं तो जो आवाज़ है वो कैरेक्टर को फिट करना चाहिए लुक्स के हिसाब से नहीं है बट फॉर सम रीज़न It just fit and जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने सोचा नहीं कि ये जर्नी ऐसा चले जाए I mean, ऐसा चल जाएगा 48 एपिसोड्स के लिए एंड नाउ ये प्रोफेसर जो कैरेक्टर है इट्स अ पार्ट ऑफ मी क्योंकि आई फील दैट आई नो हिम वेरी वेल बट मैंने कभी नहीं चूज़ किया था क्योंकि मैंने सोचा नहीं कि मैं ये कैरेक्टर करूँगा एंड लाइक आई सेड बिफोर आई थिंक The character chose me and it was the right time, right place and I am very, very grateful for the opportunity. तो जब प्रोफेसर वो सब क्लासेस वो ले रहा है वो सब सिनारियोस प्लान्स वो एक्सप्लेन कर रहा है हर सीजन में वो एक लाइन
वो रिपीट करता है, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। और वो लाइन है, प्लान सक्सेसफुल होने के लिए बस एक ही रास्ता है और वो है कट टू द नेक्स्ट प्लान। वो प्लान सक्सेसफुल नहीं है तो उसका एक दूसरा प्लान है, प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, लेकिन सारे एपिसोड्स में, सारी सीजन्स में ये लाइन वो रिपीट करता है। वो मेरे ख्याल से आप भी बता सकते हैं कि मतलब आपका फेवरेट लाइन कौन सा है, आप बता दीजिए।